हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज क्लासिक। दोस्तों आज हम जानेंगे 1968 की टॉप 10 फिल्मों के बारे में। सन 1968 में 10वें नंबर पर है फिल्म दुनिया। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में देवानंद, वैजयंती माला और बलराज सानी है। फिल्म के डायरेक्टर है टी प्रकाश राव और म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया है। फिल्म की कमाई 90 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज गई थी। 9वें नंबर पर है फिल्म हसीना मान जाएगी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में शशि कपूर और बबीता है। फिल्म के डायरेक्टर है प्रकाश मेहरा और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया है। फिल्म की कमाई 95 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट गई थी। 8वें नंबर पर है फिल्म आदमी। ये एक लव ट्रायंगल फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में दिलीप कुमार, मनोज कुमार और वहीदा रहमान है। फिल्म के डायरेक्टर है ए भीम सिंह और म्यूजिक नौशाद ने दिया है। यह फिल्म 3 वजह से मशहूर हुई थी। इस फिल्म के डायलॉग, ट्रिक सिनेमाटोग्राफी और दिलीप कुमार की एक्टिंग के लिए। फिल्म की कमाई 1 करोड़ हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अबव एवरेज गई थी। 7वें नंबर पर है फिल्म ब्रह्मचारी। ये एक ऑर्फन फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में शमी कपूर और राजश्री हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है बप्पी सोनी और म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया है। फिल्म की कमाई 1 करोड़ 25 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 6वें नंबर पर है फिल्म पड़ोसन। ये एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में सुनील दत्त और सायरा बानो है। फिल्म के प्रोड्यूसर है महमूद, डायरेक्टर है ज्योति स्वरूप और म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है। फिल्म की कमाई 1 करोड़ 40 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 5वें नंबर पर है फिल्म शिकार। ये एक थ्रिलर फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में धर्मेंद्र और आशा पारेख हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है आत्माराम और म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया है। फिल्म की कमाई 1 करोड़ 50 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 4वें नंबर पर है फिल्म कन्यादान। ये एक सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में शशि कपूर और आशा पारेख हैं। फिल्म के डायरेक्टर है मोहन सहगल और म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया है। फिल्म की कमाई 1 करोड़ 60 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 3रे नंबर पर है फिल्म नीलकमल। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में मनोज कुमार, राजकुमार और वहीदा रहमान है। फिल्म के डायरेक्टर है राम महेश्वरी और म्यूजिक रवि ने दिया है। फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा एक टाइमलेस सॉन्ग है जो शादियों में विदाई के समय आज तक भी यूज किया जाता है। फिल्म की कमाई 1 करोड़ 75 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 2रे नंबर पर है फिल्म दो कलियां। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में विश्वजीत और माला सिन्हा है। फिल्म के डायरेक्टर है आर कृष्णन और एस पंजू, म्यूजिक रवि ने दिया है। इस फिल्म के बाद में कई रीमेक फिल्में बनी थी, जिनमें से 2 फिल्म 1986 में आई फिल्म प्यार के दोपल और 1987 में आई फिल्म प्यार के काबिल है। फिल्म की कमाई 2 करोड़ हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट गई थी। सन 1968 में पहले नंबर पर है फिल्म आंखें। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में धर्मेंद्र और माला सिन्हा है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है रामानंद सागर और म्यूजिक रवि ने दिया है। यह फिल्म कुछ साल पहले उस वक्त से प्लान की गई थी जब धर्मेंद्र के पास सिर्फ एक फिल्म थी। रामानंद सागर धर्मेंद्र को लेने पर घबरा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त की बड़ी स्टार माला सिन्हा को उनके साथ लिया। लेकिन फूल और पत्थर के सक्सेस के बाद सागर ने धर्मेंद्र को पैसे बढ़ा कर दिए। फिल्म की कमाई 3 करोड़ 25 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर गई थी। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए ये चैनल लाइफ इज क्लासिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। लाइफ इज क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।